जोर रहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने भी अपनी सलाह दी, बुखार होने पर क्वारंटीन किया जाए, ये कहा डॉक्टर वी के पॉल ने। विदेश से लौटे यात्रियों की निगरानी की जाए, ये बात भी उठी मीटिंग में। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर उन्हें रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने अपने छात्रों फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। क्या है वो बड़ी खबर? कोरोना पर अमेरिका के एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट आई है जो कि डराने वाली है, उनका दावा बहुत डराने वाला है। अगले 90 दिन में दुनिया की 10% आबादी संक्रमित होगी, ये एक्सपर्ट्स ने दावा किया है। 3 महीनों में चीन की 60% आबादी कोरोना प्रभावित होगी। भारत को चीन के हालात पर नजर रखनी होगी, चीन से आने वाले रॉ मटेरियल पर भी ध्यान रखना होगा। तो भारत को सतर्क रहने की भी बात एक्सपर्ट्स ने कही है। तो देखिए, अमेरिकी एक्सपर्ट्स का जिक्र हो रहा है और अमेरिकी एक्सपर्ट्स की बातें इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि चीन से आ रही तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। तस्वीरें दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली हैं। आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको चीन में कोरोना विस्फोट के कुछ नंबर्स दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा संकट है। डेंजर जोन में है आधा चीन, अगले 90 दिन चीन पर भारी पड़ सकते हैं, इसकी आशंका है। 3 महीने 3 लहर, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हालात समीर अभी वहां पर बने हुए हैं उसके तहत ये साफ हो चुका है कि ना वैक्सीन असर दिखा रही है ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और यही वजह है कि चीन के अंदर हालात अब से बदतर हो चुके हैं समीर। बिल्कुल, और चीन में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा पूरी दुनिया के लिए भी बढ़ता है। पूरी दुनिया को सचेत हो जाने की जरूरत है। 60% लोगों के संक्रमित होने का अनुमान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर चीन में संक्रमण फैल रहा है। डराने वाली बात यह है कि इस अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोगों की मौत जा सकती है, 10 लाख लोग जान गंवा सकते हैं कोरोना की वजह से। इसीलिए अब भारत में इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है। चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन चौकस होने की जरूरत है।